एक ऐसी जगह जहां पर पैसों को जलाकर खाद बनाया जाता है और उसके बाद उसी खाद का इस्तेमाल कर सब्जी को उगाया जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर कार गर्मी की वजह से बर्फ की तरह पिघल रही है और वो कौन सा जीव है जिसका दिल उसके सिर में होता है, आज जानेंगे। क्या आपने कभी भी अपनी लाइफ में 21 करोड़ का भैंसा देखा है? हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के आखिर में। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे बस थोड़ी देर में। नंबर वन, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस बहुत ही स्मार्ट जानवर होते हैं? आप उन्हें कभी भी किसी डब्बे में कैद करके नहीं रख सकते। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। वेल, देखिए इस वीडियो को। यहाँ पर एक ऑक्टोपस को एक डब्बे में बंद कर दिया गया है, लेकिन एक मिनट से भी कम समय लगा इस ऑक्टोपस को इस जार से निकालने में। ये अपने शरीर को ऐसे रोटेट करते हैं कि डब्बे के ढक्कन को आसानी से खोल देते हैं। यहाँ आप देखिए कि कैसे इन्होंने इसे खोल दिया है। जापान में तो इनसे मैथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई जाती है भाई। नंबर टू, अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिका की एक ऐसी जगह जहाँ पर की नोट को जलाकर बनाए जाते हैं खाद। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब भी नए नोट की जरूरत होती है तो पुराने नोट की छुट्टे कर दी जाती है, लेकिन क्या आपने इस तरह की तस्वीर देखी है? यहाँ पर ये जो पहाड़ जैसी चीज है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये नोट को फाड़ फाड़ कर बनाए गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि नोट को फाड़ने की क्या जरूरत थी, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में अक्सर इस तरह का नजारा देखा जाता है। यहाँ पर पुराने नोट को फाड़कर जला दिए जाते हैं और उसी को खाद बना दिया जाता है। आप यहाँ देखिए कि कैसे नोट को जलाकर उसे राख से खाद बनाया जा रहा है। इसे कहते हैं नोट वाली खाद। इस खाद का इस्तेमाल बाद में सब्जियों को उगाने में किया जाता है। तो दोस्तों अब इसे कह सकते हैं ना कि ये नोट वाली खाद है। अमेरिका है तो कुछ भी हो सकता है। नंबर थ्री, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी चीज जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे एक हाथी पेंटिंग कर रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है रियलिटी, आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ही बढ़िया पेंटिंग करते हैं, लेकिन आज इस जानवर को भी आप देख लीजिए। ये अफ्रीका के एक देश की तस्वीर है। यहाँ पर हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है पेंटिंग बनाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये हाथी शानदार पेंटिंग करते हैं। ये किसी भी चित्र पेपर पर उतार देते हैं। इन पेंटिंग की बाद में नीलामी होती है और लाखों में इन्हें बेच दिया जाता है, और बाद में उन्हीं पैसों का इस्तेमाल हाथी को मदद पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन आई एम श्योर आपने इससे पहले ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली कार। इस कार ने तो साउंड से स्पीड को भी ब्रेक कर दिया। दिखाएंगे आपको आगे। नंबर फोर, वेल दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि जब बात आती है नेल पेंटिंग की तो लड़कियां इतनी चूजी हो जाती हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करती हैं। हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि स्टाइल के नाम पर क्या क्या हो रहा है। जी हाँ, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे नेल में एक एक करके चावल के दाने को चिपकाया गया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि स्टाइल इतना आगे बढ़ चुका है कि अब नेल पेंट्स की जगह चावल को चिपकाने का काम होने लग गया। नंबर फाइव, क्या आपने अपनी जीप को देखा है? नहीं तो अभी देखिए शीशे के सामने, होपफुली सब ठीक ही नजर आ रहा होगा। लेकिन अब हम आपको एक महिला की जीभ दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी जीभ को, अब आप ही बताइए कि ये क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई फोटोशॉप का कमाल है, लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है। ये है एक तरह की बीमारी जिसे कहते हैं टंग फिशर्स, जो कि होती है बहुत ही खतरनाक। इसमें आपकी जीभ के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको लग रहा होगा कि कुछ भी खाने में बहुत तकलीफ होती होगी, तो आपको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको दिन में 3 से 4 बार अपने दांतों के साथ में जीभ की सफाई करनी होती है। ये बस दिखने में ही खतरनाक होते हैं। नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कि वो कौन सा जीव है जिसका दिमाग और दिल दोनों एक ही जगह होता है? दो अलग अलग चीजें एक साथ कैसे रह सकते हैं, सोचिए। लेकिन है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस जीव का नाम है झींगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि झींगा के सिर में ही दिमाग के साथ साथ दिल भी होता है। नंबर सेवन, अब समय आ गया है कि आपको हम दिखा दे दुनिया के सबसे तेज गति से चलने वाली कार को। जी हाँ, इसकी स्पीड को देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये क्या चीज है। दोस्तों ये नजारा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहीं और का नहीं बल्कि ये अमेरिका का है। यहाँ पर की जा रही है टेस्ट ड्राइविंग दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाली कार की। देखिए इस कार को, देखने में किसी रॉकेट से कम नजर नहीं आती। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार का नाम क्या है? चलिए हम आपको बता देते हैं। ये है ब्लडहाउंड LSR, जो कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से भी भाग सकती है। जी हाँ, 1000 किलोमीटर। यकीन न हो तो देखिए यहाँ पर कैसे इस कार का किया गया है टेस्ट ड्राइविंग। कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि ये कार है कि रॉकेट। लेकिन सवाल ये है कि इसे रोड पर कैसे चलाया जाएगा। नंबर एट, दोस्तों चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि चंदा मामा बहुत दूर के गाना गाने का है
हमें अब। जानते हैं कि मैं आपसे इस तरह की बात क्यों कह रहा हूँ? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अलग किस्म की चीज है। चंदा मामा हर साल हमारी धरती से दूर जा रहे हैं, हर साल 1.6 इंच दूर हो रहे हैं चंदा मामा। अभी हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले साल में ये यकीनन फील होगा, जिससे हमारी धरती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। नंबर 9, दोस्तों हमारा देश भी कमाल का है। यहाँ पर चाहे लोगों पर कितने भी मुसीबत ना आ जाए, लेकिन ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज हम आपको बताते हैं कि भारत में दिल्ली शहर में रहने वाले विनोद कुमार ने क्या कारनामा करके दिखा दिया। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये टाइपिंग अपने हाथों से नहीं करते, बल्कि ये तो नाक से लिखते हैं। यकीन ना हो तो आप खुद ही इन्हें देख लीजिए। ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट नोज राइटर है। ये नाक से 45 सेकंड में एक बड़ा सा सेंटेंस लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। यही है इनकी खासियत। नंबर 10, दोस्तों जब भी हम कोई कार या कोई भी गाड़ी लेते हैं तो बहुत शौक से लेते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि धूप में जब कोई अपनी कार को रखकर चला जाता है तो आजकल दुनिया में बहुत ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये कार पिघल रही है। आपको लगता होगा कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी है। ये जो आप नजारा देख रहे हैं ये अरब देश का है। यहाँ पर दिन के समय टेम्परेचर 50 के पार चला जाता है। आप देखिए कैसे यहाँ पर कार की हालत हुई। फ्रेंड्स, तभी तो कहा जाता है कि धरती को बचाना है तो टेम्परेचर को कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन इंसान भी पिघलने लगेगा। नंबर 11, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा नजारा जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये है आने वाले समय के घर। यहाँ आप देखिए कि कैसे इन्हें बनाया गया है। कहते हैं कि ये बहुत ही कमाल की चीज है और हॉलैंड में इस तरह के घर में ऑलरेडी लोग रहते हैं। ये एलियंस जैसे घर वैसे होते बहुत ही इफेक्टिव है। इस राउंड घर में अंदर से 3 फ्लोर होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बाथरूम, तो फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम और उससे ऊपर किचन। इस घर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सब के सब नेचर के आसपास रह सके। नंबर 12, दोस्तों अब इस नजारे को ही आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गाय सबसे अलग कैसे नजर आ रही है। कहते हैं कि ये इटली देश की गाय है जिसका नाम वहाँ के लोगों ने मू रखा है। ये मू दुनिया की सबसे टॉलेस्ट काउ है। आप देखकर समझ सकते हैं कि ये कितनी अलग दिख रही है। नंबर 13, दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं कि विदेश के ही जानवर सबसे अच्छे होते हैं, या वहाँ के जानवरों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। आज हम आपको अपने देश की एक ऐसी भैंस से मिलवाते हैं जिसकी कीमत है बाहरी मार्केट में 21 करोड़। जी हाँ, आपकी सांसें थम जाएंगी इसका दाम सुनकर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल जिले का ये भैंसा कोई राजा महाराजा नहीं, लेकिन उसके शौक किसी राजा महाराजा से कम नहीं। 21 करोड़ रुपए कीमत का ये भैंसा सुल्तान मात्र 7 साल और 10 माह का है, लेकिन ये अपने पीने के शौक के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। सुल्तान को आज से 5 साल पहले राम नरेश बेनीवाल ने रोहतक से 2,40,000 रुपए में खरीदा। एक विदेशी ने पिछले दिनों इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए लगाई थी। सुबह के नाश्ते में सुल्तान देशी घी का मलीदा और दूध पीता है। सुल्तान का वजन 1700 किलो है। सुल्तान की खुराक सुनकर चौंक जाएंगे आप। इसे रोजाना 10 किलो दाना और इतना ही दूध दिया जाता है। रोजाना करीब 35 किलो हरा और सूखा चारा दिया जाता है। सुल्तान सेब और गाजर भी खाता है। सर्दियों में 15 किलो सेब और गर्मियों में 20 किलो गाजर खिलाई जाती है। उनका कहना है कि ये भैंसा रोजाना करीब 2500 रुपए का चारा खा जाता है। सुल्तान साल भर में 30,000 सीमेन की डोज देता है, जो 300 रुपए प्रति डोज बिकती है। सुल्तान से सप्ताह में 2 बार सीमेन निकाला जाता है। इस हिसाब से वो सालाना 90 लाख रुपए कमाकर अपने मालिक को दे देता है। क्या बात है दोस्तों। दोस्तों जब भी हम कुछ ओवर खाना खाते हैं तो क्या होता है, कई बार वोमिटिंग हो जाती है, अनवांटेड खाना बाहर आ जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका पेट आपके मुंह से बाहर आ जाए? लेकिन दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसका साथ ये होता है, ये है शार्क। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि शार्क जब हद से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है? शार्क अपने मुंह से खाना खाने के साथ साथ अपने पेट को भी निकाल देते हैं। देखिए कैसे। वेल, आपको बता दें कि इसे नेचुरली गैस्ट्रिक एवरसोन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे शार्क के मुंह से उनका पेट कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आ जाता है। बात तो सही है, जब हद से ज्यादा खाना खाएंगे तो यही होगा। वैसे ये बात भी साफ है कि शार्क हमेशा ही ओवर ईटिंग करते हैं और उसी से बचने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। नंबर 15, दोस्तों आपने कई मौकों पर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का ड्रोन देखा है जिसमें इंसान ट्रैवल कर सकता है? नहीं ना, हम आपको दिखाते हैं। जर्मन के इंटेल कॉर्पोरेशन और ऑटोमेटिव कंपनी डैमलर एजी ने एक एसी उड़ने वाली वहाँ का निर्माण किया है जो बिल्कुल किसी ड्रोन की तरह दिखता है। इसका नाम है वोलोकॉप्टर, जिसमें 18 पंखे पर उड़ने वाली एक छोटी मशीन लगी है। इस ड्रोन की मदद से शरीर की आसमान पर चक्कर लगाया जा सकता है। इसमें 2 सीट है, एक सीट पर पायलट और एक पर यात्री बैठ सकते हैं, या फिर रिमोट कंट्रोल मोड पर 2-2 यात्री एक साथ उड़ान भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
जो कि हमने आपके साथ शेयर किए, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा नीचे कमेंट में बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।